42 साल पुराना, 43 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। देश की राजधानी दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में बीते दिनों लगातार बारिश हुई, जिसकी वजह से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने लगा। रही सही कसर हरियाणा ने पूरी कर दी। यमुनानगर स्थित अथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते दिल्ली में यमुना नदी उफान पर है। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। 13 जुलाई की सुबह यमुना का जलस्तर 208 मीटर के ऊपर था। बताया जा रहा है कि यमुना में इतनी भीषण बाढ़ 1978 के बाद आई है। नदी किनारे की बस्तियां बाढ़ के पानी में डूबने लगी हैं। यमुना का हाईएस्ट अभी तक जो गया था वो 1978 में गया था, जब यमुना में बाढ़ आई थी वो गया था 207.49 पे। उसको भी मतलब 42 साल पुराना, 43 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। 12 जुलाई को भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया, जिसके चलते हालात और खराब होने की आशंका जताई जा रही है। बोट क्लब, मोनेस्ट्री मार्केट, नीली छतरी टेम्पल, यमुना बाजार, गीता घाट समेत कई इलाकों में पानी भर गया है। इसके अलावा बाढ़ का पानी आईटीओ, मजनू का टीला, आउटर रिंग रोड तक पहुंच चुका है। यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन भी बाढ़ की जद में है। ये तस्वीरें लोहा पुल इलाके की हैं। यहाँ गलियों में 3 से 4 फीट तक बाढ़ का पानी भर चुका है। दिल्ली सरकार बाढ़ के हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। एनडीआरएफ की 12 टीमों ने मोर्चा संभाल लिया है। निचली बस्तियों को पहले ही खाली कराया जा चुका है। साथ ही उस्मानपुर, बदरपुर, खादर में यमुना के पास इलाकों के लोगों को घर खाली करने के आदेश दे दिए हैं। इसके अलावा मयूर बिहार, डीएनडी, सराय काले खां पर, भेलूपुर, शमशान घाट, जैन मंदिर, ग्यासपुर और मिलेनियम डिपो के आसपास बसी झुग्गियों को खाली कराया जाएगा। आप नेता आतिशी ने बताया कि दिल्ली सरकार ने बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए 50 बोट का इंतजाम किया है। इन सभी बोट्स को पल्ला से लेकर ओखला बैराज तक 2-2 किलोमीटर की दूरी पर तैनात किया गया है। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने 12 जुलाई को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का मुआयना किया, साथ ही बचाव कार्यों का भी जायजा लिया। उनका कहना है कि एनडीआरएफ की टीम हर तरह के हालात से निपटने को तैयार है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। इसके बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम केजरीवाल से फोन पर बात की और बताया अथनी कुंड सिर्फ बैराज है और इसके पीछे कोई जलाशय यानी रिजर्वायर नहीं है, इसलिए वहां पानी रोकने की कोई सुविधा नहीं है। बताया कि वो तो केवल बराज है, उसके पीछे कोई रिजर्वायर नहीं है, तो वहां पानी को रोकने की ऐसी कोई सुविधा नहीं है। हालांकि अब हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली में बीते 2 दिनों से बारिश नहीं हुई है, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि यमुना के जल स्तर में सुधार होगा। यमुना का पानी दिल्ली से आगे यूपी की तरफ बढ़ जाएगा, तो दिल्ली में डूब वाले इलाकों से धीरे धीरे पानी उतरने लगेगा। लेकिन इस दरमियान अगर बारिश हो जाती है तो दिल्ली में हालात बद से बदतर हो जाएंगे।